Hello children, how are you? Me Archana Shrivastava, your teacher. And today I am going to teach you phonics sound E. Okay? This sound, phonics sound. Why? Because yesterday I teach you phonics sound A. क्या पढ़ा था हमने कल? A. क्या बोलेंगे? A बोलेंगे? No. A. क्या बोलेंगे? A. Right. तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि ई को भी हमें क्या कहना है. तो फर्स्टली चेक आउट योर इंग्लिश बुक. दिस इज़ योर इंग्लिश बुक. योर इंग्लिश बुक नेम इज़ द लिटिल स्कॉलर प्री प्राइमर. वेरी गुड. एंड ओपन चैप्टर 5. सी चैप्टर 5 सॉर ई साउंड. जैसे हम ए को ए नहीं आ पढ़ेंगे, वैसे ही हम ई को ई नहीं ए पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? ए. ई को हम दांत दोनों बराबर मिला के बैठा के बोलते हैं और ए को मुंह हल्का सा खोल के बोलते हैं. ओके, प्रैक्टिस करिए ए. ओके, चलिए ई कहाँ पे इसको इस तरह बोलना है मैं अभी बताऊंगी आपको. लेट्स स्टार्ट. देखिए क्या है, है ई डी का हमको प्रयोग करना है. ठीक है, चलिए देखिए. बी ई, देखिए बीच में ई है ना, बी ई डी बैट. बेड नहीं बोलेंगे, बैट. ओके, वैसे ही आर ई डी रैट. डब्ल्यू ई डी वैट. देखिए हम बोल रहे हैं ना कैसे, मुंह हल्का सा खोल के. L E D लेट. ओके, वैसे देखिए बैग है, फिर क्या है, लेग है, फिर क्या है, एग. वाह, एग राइट. फिर क्या है, पैग. फिर पेन, डेन, मैन. ओके, जैन. फिर जेव, न्यू, फ्यू एंड सीव. लेट स्टार्ट. फिर से हम करेंगे. देखिए बी ई डी बैट, एल ई जी लैक, एच ई एन हैन, पी ई एन पेन, पी ई टी पैट, एन ई टी नेट, जी ई एम जैम, जे ई टी जेट, D E W dew. Dew means ooze. Okay? चलिए next क्या है, next हमारा है, देखिए इसमें explain कैसे गया है, किया गया है, इसको हमें पढ़ना है. reading time है ये, इसे क्या करना है. देखिए man, देखिए man कहते हैं A है ना, यहाँ पे man has a pet. man has a pet. Okay? Man has a pet. Pam has a net. The pet got wet. Wet means गीला, भीगा हुआ. Net ये जो है जिससे हम तितली पकड़ते हैं. और pet जैसे ये cat हुआ, dog हुआ, जिन्हें हम अपने साथ अपने घरों में रखते हैं, उन्हें pet बोलते हैं. Okay? Man has a pen. The hen lays the egg. मुर्गियाँ अंडे देती हैं. द हैन सेट ऑन द रेड वैन. जो मुर्गी कहाँ बैठी हुई है, ये हैन रेड बस के ऊपर बैठी हुई है. ओके, द पेन इज ऑन द बेड. जो पेन है वो कहाँ रखी है, बेड के ऊपर रखी है. द बॉल इज इन द नेट. और जो देखिए नेट के अंदर क्या है, बॉल चली गई है. राइट. फिर देखिए क्या है, इसको खूब पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है. और इसमें क्या करना है, और इसमें करना है मैच ईच पिक्चर विद द करेक्ट वर्ड वन हैज़ बीन डन फॉर यू. ओके, देखिए क्या लिखा है, मैच ईच पिक्चर विद द करेक्ट वर्ड वन हैज़ बीन डन फॉर यू. मतलब यहाँ पिक्चर बनी हुई है और उससे रिलेटेड यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, आपको उस नाम को उस पिक्चर से मैच करना है. एक करके इसमें दिखाया है. देखिए जैसे क्या लिखा है, वेट, नेट, मेट लिखा है.
और जेट, ये क्या है? ये वेट है। वेट मीन्स क्या होता है? गीला होता है ना? ये नहीं है। क्या है? मैट है? नो। ये क्या है? जेट, राइट। ये जेट है। अब ये क्या है? ये क्या है? दिस इज बैट। देखिए बैट लिखा है आर ई डी रैट, पी ई जी पैट एंड बी ई डी बैट। तो क्या करेंगे? बैट को ना उसके नाम से मैच करेंगे ये। ओके, फिर ये क्या है? ये हैन है। तो क्या लिखा है? एच ई एन हैन, पी ई एन पेन एंड टी ई एन टैन। तो हमें तो केवल हैन चाहिए, हैन से मैच कर देंगे। ओके, फिर क्या है? बी ई, ये क्या है? ये हमारे लैग है। ओके, तो बी ई जी बैग, एम ई एन मैन और एल ई जी लैग, तो लैग से मैच करेंगे। फिर एग है, ई डबल जी एग, पी ई जी पैक, डी ई एन डैन, तो एक्स करेंगे। ठीक, फिर वी ई टी वेट, एन ई टी नेट एंड पी ई टी पैट, तो ये क्या है? ये नेट है, हम इसे नेट से मैच करेंगे। ओके, अब देखिए क्या है। फिल इन द मिसिंग लेटर बाय लुकिंग एट द पिक्चर वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इस जो लिखा हुआ है, जो ऊपर चित्र बना हुआ है और उसके नीचे उसके नेम लिखे हुए हैं, जिसमें से बीच में से उसकी एक स्पेलिंग नहीं है, वो आपको इसमें फिल करनी है, पहचानना है इन पिक्चर्स को और उसकी स्पेलिंग इसमें फिल करनी है। देखिए एक करके ये दिखाया हुआ है। ठीक, ये जैम है। जैम मीन्स हीरे जवाहरात, जो कीमती जो पत्थर होते हैं उन्हें जैम्स कहते हैं। ओके, ये डायमंड है, जी ई एम जैम। डेन डी ई एन, यहाँ पे क्या होगा? ई ई। ठीक, मैंने बड़ा बनाया है जिससे आपको दिखे। बेड की स्पेलिंग क्या है? देखिए बी ई डी बेड, तो यहाँ पे क्या करेंगे? बी ई डी बेड। यहाँ पे एग, पी ई टी पैट, एम ई एन मैन। ओके, वेरी गुड। आपको इसको पढ़ना है, लिखना है, अच्छे से याद करना है और खूब सारी प्रैक्टिस करनी है जब हम स्कूल